हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। डायरेक्ट मेथड का जो हिंदी होता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहला तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछता है कि जो डायरेक्ट मेथड है इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिनेट्स कहां से हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनेट्स हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वो फ्रांस से हुआ है। डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्रांस। दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि थ्योरी जर्मनी, यानी जो डायरेक्ट मेथड का सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। इट्स थ्योरी इज डाइवर्ड फ्रॉम जर्मनी, यानी जो डायरेक्ट मेथड का सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया गया है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इसका जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है इंग्लिश टू इंग्लिश। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था आपका ग्रामर ट्रांसलेट जो होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो उसमें जो होता है इंग्लिश का आपके मातृभाषा में बताया जाता है ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। बट जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, यानी आप कह सकते हो मदर टंग इज नॉट यूज टू एक्सप्लेन एनी सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य को अगर वो अंग्रेजी में लिखा है तो उसको आपको अंग्रेजी में ही समझाना होगा। आप जैसे कि मदर टंग में, जैसे कि हमारा जो मदर टंग है वो मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो उसको मदर टंग में यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि आपको अगर इंग्लिश, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझाना होगा। जैसे कि मान लीजिए पेन है, तो हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, कलम, तो वहां पे आपको कलम का यूज नहीं करना है। पेन, तो पेन का आप बताओगे पेन जैसा पेंसिल होता है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बताना है। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही हिंदी का यूज नहीं करना है। अब देखिए, अब बात करते हैं इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेंटेंस, यानी जैसे कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें जो यूनिट होता है वो वर्ड होता है, वर्ड बाय वर्ड उसका अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। बट जो आपका डायरेक्ट मेथड का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटेंस। ठीक है, यानी आप कह सकते हो डायरेक्ट मेथड हैज अ यूनिट सेंटेंस। अब देखिए, जो इसका मेथड होता है, जो विधि होता है, वो इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड यानी इसको हम जो कहते हैं वो हम इसे आगमन विधि भी कहते हैं। यानी आगमन विधि अब क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दिस मेथड फ्रॉम एक्सप्लेन टू रूल, यानी जो आपका प्रत्यक्ष या जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें सबसे पहले किसी भी टॉपिक पर उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम की ओर बढ़ा जाता है, जैसे कि उदाहरण से रूल की ओर यानी नियम की ओर। तो ये जो इंडक्टिव, इसे हम आगमन विधि भी कहते हैं, तो ये इसी पे आधारित होता है डायरेक्ट मेथड, यानी दिस मेथड फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, पहले एग्जाम्पल को उसके बाद हम नियम की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि हमने कल जो डिस्कस किया था ग्रामर ट्रांसलेशन विधि में, हमने क्या कहा था कि जो उसका फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पे होता है। बट जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है इसमें जो फोकस होता है वो किस पे होता है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है। किस पे, तो लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है। आप कह सकते हो द डायरेक्ट मेथड फोकसेस, ठीक है, फोकस या फोकस कह सकते हो या फिर फोकसेस कह सकते हो, मोस्ट ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी जो डायरेक्ट विधि है, जो प्रत्यक्ष विधि है, सबसे ज़्यादा जो फोकस, यानी फोकस मतलब क्या होता है, केंद्रित होती है, वो किस पे होती है, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग यानी सुनने और बोलने पे प्रत्यक्ष विधि सबसे ज़्यादा केंद्रित होती है। ठीक है,
और फ्रेंड देखिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट भी लिख दिया है और प्लस सेंटेंस की तरह लिख दिया है, ताकि अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इससे तीनों क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहला तो इससे जो रिलेट करके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसका सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, और मैंने सेंटेंस भी लिख दिया है ताकि आपको लघु उत्तरीय या फिर अति लघु में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिस इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसको हम नेचुरल मेथड कहते हैं। अब क्यों? तो देखिए बिकॉज टू एक्सप्लेन एनीथिंग द टीचर ट्राइज टू एक्सप्लेन इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इसको हम प्रकृति विधि यानी नेचुरल विधि क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जो एक शिक्षक होता है वो कुछ भी सिखाता है, कुछ भी समझाता है, तो उसका पूरा कोशिश यही रहता है कि वो जो कुछ भी विस्तार से बताए वो इंग्लिश टू इंग्लिश बताने का प्रयास करे, यानी मदर टंग का यूज़ नहीं करना है। यानी कोई वस्तु इंग्लिश में दिया है, जैसे कि मैं अभी जो बता रही हूँ ये क्या है, आपका ट्रांसलेशन यानी द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, बट जो आपका द डायरेक्ट मेथड होता है ये इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में ही समझाना होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिंदी में ही कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि हमको हिंदी में फिर से समझाना होता है। उसी प्रकार जो इंग्लिश होता है इसको इंग्लिश भाषा में ही इंग्लिश लैंग्वेज में ही बताना होता है। अब देखिए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। यानी जो आपका यह मेथड होता है ये किस पे आधारित होता है? तो कल्पनाओं पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका मेरिट और डीमेरिट क्या है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि जो डायरेक्ट मेथड है इसका मेरिट क्या है या फिर इसका डीमेरिट क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने कॉपी में ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? यानी एक शिक्षक जो होता है, ठीक है, वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि वो पेन यानी पेन के बारे में वो जानकारी दे रहा है, ठीक है, पेन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो वो केवल और केवल उसको पढ़ाएगा नहीं, वो उनके सामने रिलेट करके उस पेन को दिखाएगा कि हाँ ये एक पेन है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए डेस्टर है, तो डेस्टर के बारे में वो पढ़ा रहा है तो वो डेस्टर को दिखाएगा। यानी जो आपका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा आपको रिलेट करके ऑब्जेक्ट दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्ड वर्क फॉर एक्सप्रेशन, यानी एक शिक्षक जो होता है वो हर तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यानी जितना हो सके हर एक तरीके अपनाता है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने में दिक्कत ना हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है, जो आपका पॉइंट है वो है आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर। यानी जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो क्या करता है कि जब उसका लेक्चर समाप्त हो जाता है तब वो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, यानी जो भी उसमें छात्र स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी गलती का सुधार खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, उसमें जो कुछ भी कोई भी स्टूडेंट अपना पॉइंट नहीं रख सकते, जो कुछ शिक्षक पढ़ाएगा वही पढ़ना होता है, बट जो इसमें होता है आप अपना सेल्फ करेक्शन कर सकते हो। और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि फुल ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो भी इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक तो उनको जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो शिक्षक कहता है वही उनको पढ़ना होता है, जो रोल होता है वही, बट जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है सबसे महत्वपूर्ण तो ये उदाहरण से नियम की ओर होता है, प्लस इसमें जो आपका यूनिट होता है वो वाक्य होता है, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है। तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आप सभी को बताऊं तो इसमें व्याकरण पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है,
सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, व्याकरण पे सबसे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कल, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने उसमें देखा था कि हमने ये तो जान लिया कि ग्रामर यानी जो कुछ भी हम रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं शुद्ध होना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि हम अपने लाइफ में इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। बट जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसका जो इरादा यानी जो मोटिव है ये यही कहना चाहता है कि आप व्याकरण उतना ही ग्रामर का उतना ही यूज कर सकते हो जितना कि आपके लाइफ में उसका यूज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से रुचि लेकर पढ़ें। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, यानी सब कुछ हो जाने के बाद वो क्वेश्चन देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज देते हैं ताकि जो उनकी जो भी सीखने में जो भी है वो और वृद्धि हो सके। तो ये तो क्या है, पूरा आपका मेरिट है। बट जो कुछ भी होता है उसमें कुछ योग्यता होता है तो कमी भी होता है, तो अब हम कमी को जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसका डीमेरिट है, पहला जो मेथड सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, दिस मेथड इज नॉट अपॉइंटेड इन इंडियन स्कूल। जैसे कि हमने ट्रांसलेशन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ा था कि पॉपुलर मेथड किसको कहा जाता है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेथड को अपनाया जाता है वो डायरेक्ट मेथड को नहीं अपनाया जाता है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अपनाया जाता है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है दिस मेथड इज नॉट अपॉइंटेड इन इंडियन स्कूल, यानी जो आपका डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे यानी इंडियन स्कूल यानी भारतीय स्कूलों में इसको अपॉइंट नहीं किया गया है। सेकेंड पॉइंट, नॉट फोकस रीडिंग एंड राइटिंग, यानी चार स्किल्स होते हैं, ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो जो हमने एक तो उसमें ये कमी थी, अब बट इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग है तो इसमें रीडिंग और राइटिंग नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। तीसरा, टाइम टेकिंग। अब टाइम टेकिंग जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था उसमें जो आपका मेरिट था ग्रामर उसमें टाइम की बचत होती थी, बट जो इसमें होता है टाइम टेकिंग, क्योंकि एक तो पहले हम क्या करते हैं, टाइम टेकिंग खर्ची क्यों होगा, सबसे पहले तो हम कुछ भी समझा रहे हैं तो सबसे पहले हम उदाहरण देंगे, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, फिर हम नियम की ओर बढ़ेंगे, फिर जो हम क्या करेंगे जब कुछ हम सब कुछ पढ़ा लेंगे तो उससे रिलेट करके हम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, वस्तु दिखाएंगे, तो फिर क्या होता है इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्लस हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम उनको एक्सरसाइज देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है टाइम टेकिंग। उसके बाद देखिए एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट्स, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं रिलेट करके जब हमें कुछ पढ़ाना होता है तो क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम रिलेट करने के लिए हमको खरीदना पड़ेगा तभी तो हम दिखाएंगे, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होता है। उसके बाद देख सकते हो ओवर क्राउडेड क्लासेस इज नॉट अलाउड, यानी जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है हमने जैसे कि आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है वो तो एक प्राइमरी स्टेज पे आप पढ़ा सकते हो, दूसरा क्राउडेड क्लासेस में पढ़ा सकते हो, बट जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है ये क्राउडेड क्लासेस इज नॉट अलाउड, यानी क्राउडेड क्लास ओवर क्राउडेड यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ क्लास में आप इसको नहीं पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट जो आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों इसमें प्रॉब्लम होती है, आप सोच रहे हो कि इसमें तो उदाहरण भी दिया जाता है ऑब्जेक्ट भी दिया जाता है फिर क्यों प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इसलिए इंडिया में क्यों इसको नहीं पढ़ाया जाता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग, एक तो ये इंग्लिश में है और उसको इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा, हिंदी मातृभाषा का यूज़ नहीं करना है, इसलिए समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि समझने में बहुत ही कठिनाई होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में कठिनाई होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश जो टीचर होता है टीच कराता है। ठीक है, तो ये पूरा था डायरेक्ट मेथड, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा। जो इसका PDF है मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जितना हो सके आप सभी को
चाह रही हूँ कि आप अच्छे से अच्छे आप अपना जो तैयारी है वो करते रहिए, और जितने भी ये मैंने महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये बहुत ज़्यादा है, बट मैंने पॉइंट टू पॉइंट लाया ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।